अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपके लिए एक भूली बिसरी कहानी वापस लाई हूँ 40 चोर के उन्वान से। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने 40 चोर नाम की एक कहानी डाइजेस्ट कलेक्शन में शामिल की थी। कहानी पढ़ते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ और मुझे लगा कि मेरे लिसनर्स को भी ये कहानी बोर लगेगी, तो मैंने अधूरी कहानी अपलोड कर दी और आप सबकी राय जानना चाही कि अगर आपको पसंद आई तो मैं बाकी की कहानी पेश कर दूँगी। बहुत सारे मैसेजेस आए कमेंट सेक्शन में कि कहानी अपलोड करें, सुनने वालों को इंटरेस्टिंग लग रही थी। 2-3 दिन बाद जब मैंने बाकी कहानी पूरी करने की कोशिश की तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं PDF गुम कर चुकी हूँ। मैं भूल गई थी कि किस महीने के कौन से शुमारे में ये कहानी आई हुई थी, तो भी आज अचानक मेरे सामने 40 चोर आ गई। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा मैं किस कहानी की बात कर रही हूँ। अगर नहीं याद आया तो मैं इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के साथ कहानी का पहला हिस्सा पिन करने लगी हूँ। जो पहला हिस्सा नहीं सुन सके वो पहला हिस्सा ज़रूर सुनिएगा। मैं पिछली कहानी के आखिरी पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ताकि आपकी याददाश्त में कहानी ताज़ा हो जाए। उस रात साहिबजादा फारूकी से मिलने के लिए जो शख्स आया वो उनके लिए अजनबी नहीं था। वो आसिम था, एक उभरता हुआ सियासतदान जिसने बहुत जल्द अपने जोड़ तोड़ से एक बहुत बड़ा मकाम बना लिया था। उसे बैठक में बिठाया गया था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और भी थे, एक लड़की और एक मर्द। साहिबजादा साहिब, हम आपके पास एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं, आसिम ने कहा। आप अल्लाह वाले लोग हैं, दरवेश हैं, आपको सियासत वगैरह से क्या दिलचस्पी? ये काम तो हम जैसे गुनाहगारों के हैं। यही तो मसला है आसिम साहिब, कि हर बार गुनहगार ही सियासत में रहबरी करते चले आते हैं, कभी नेक लोगों को भी आने दें, आसिम तिलमिला कर रह गया था। बहरहाल ये आपका मसला है, उसने संभलते हुए कहा। आपने अगर सोच लिया है तो फिर ठीक ही सोचा होगा, मैं तो किसी और मकसद से हाजिर हुआ था। जी फरमाएं, मैं वो मकसद भी सुन लूँ। आपको तो मालूम ही होगा कि जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है उसके सरबरा हशमत साहिब हैं, आसिम ने कहा। जी हाँ, मैंने ये खबर सुनी थी, इसलिए हशमत साहिब की तरफ से एक ऑफ़र लेकर आया हूँ कि आप उनके हलके से इंतखाब ना लड़ें। भाई मैं तो एक गोशे नशीन किस्म का आदमी हूँ, मैं ख़ुद इस किस्म के झमेलों से दूर रहना चाहता था लेकिन कुछ मेहरबानों ने मजबूर कर दिया है। इसीलिए तो आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि अव्वल तो आप इसमें हिस्सा ही ना लें, अगर ले ही रहे हैं तो फिर अपना हलका बदल लें। अरे भाई मैं कहाँ भटकता रहूँगा, साहिबजादा फारूकी ने कहा, मुझे इसी तरह इसी जगह रहने दें। सर आपसे एक और गुजारिश है, अब उस लड़की ने साहिबजादा को मुखातिब किया था। जी फरमाएं। सर मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला है अपने इलाके में, लड़की ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार वहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत बरकत हो जाएगी। खैर मेरी वजह से क्या बरकत होने वाली है, लेकिन आपका यह सेंटर है कहाँ? मैं आपको ये बता दूं कि इनका नाम ज़मुर्रद है, आसिम जल्दी से बोल पड़ा, और आजकल ये मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं और ये मेरे मुहाफिज हैं अली बाबा, आसिम ने अली बाबा की तरफ इशारा किया था। सर मेरा सेंटर उसी इलाके में है जहाँ शायद आप जाना ना पसंद फरमाएं, लेकिन मैंने बहुत खुलूस के साथ ये काम शुरू किया है। साहिबजादा फारूकी ने ज़मुर्रद पर एक गहरी नज़र डाली थी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है मैं तैयार हूँ। हशमत के लिए ये तिलमिला देने वाली खबर थी कि उसके हलके से साहिबजादा फारूकी इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। उसने फौरी तौर पर आसिम की खिदमात हासिल की थी, आसिम उसके बुलावे पर उसके दरबार में हाजिर हो गया था। हाँ भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ, हशमत ने कहा, ये साहिबजादा फारूकी को क्या सूझी है? जनाब अली, इस इलाके के बहुत से लोग उसके साथ हैं, उसका एहतराम करते हैं, इसलिए उसे शह मिल गई है। तुम तो ऐसे खेलों के चैंपियन हो, क्या तुम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप हुक्म दें जनाब। बस किसी तरह भी उसे रोक दो। हो जाएगा, आसिम कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान खुद उसी के खिलाफ जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ये बस बिल्ली थैले से बाहर आ गई,
साहिबजादा ने बुजुर्गी का सारा ढोंग इसी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए रचाया था। उसका असल मकसद सियासत है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुरुप का एक पत्ता है जो साहिबजादा की हवा उखेड़ कर रख देगा। ओ, कौन है वो? हशमत ने पूछा। उसका नाम जमुरद है जनाब, आसिम ने बताया। जमुरद? मैं नहीं समझा। आसिम ने उसे जमुरद के बारे में बताते हुए कहा, जनाब आली, जमुरद एक तीर है जिसका निशाना खाली नहीं जाता। उसने कोचिंग सेंटर बनाया है जिसमें तवायफें और उनकी लड़कियां तालीम के लिए आया करती हैं। तो फिर वो हमारे किस तरह काम आ सकती है? वो साहिबजादा को घेर कर अपने सेंटर पर ले आएगी। उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रोपेगेंडे का मौका मिल जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये देखें, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, कहाँ तो इतनी बुजुर्गी के चर्चे और कहाँ ये हाल कि तवायफों के आस्तानों पर हाजिरी दे रहे हैं। बस जनाब, उस शख्स की सारी दीवार बैठ जाएगी, हवा निकल जाएगी उसकी। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा, हशमत खुश हो गया था। याद रखो, अगर तुम उसे हटाने में कामयाब हो गए तो इस बार मेरी तरफ से तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि तुमने उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जनाब आली, आसिम ने खुशामदाना अंदाज में कहा, आपकी मेहरबानियाँ कम तो नहीं हैं, लेकिन मैं एक बार फिर ये अर्ज़ कर दूँ कि यह सब कुछ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि साहिबजादा बहुत काया आदमी है, इसीलिए उसने इतने लोगों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तुम अपने प्रोग्राम पर अमल तो करो, उसके बाद देखी जाएगी। हशमत के पास से वापस आकर आसिम ने जमुरद से बात की थी। देखो जमुरद, अब तुमने तरक्की के रास्ते तय करने शुरू कर दिए हैं। तुम मेरे साथ हो गई हो और अब मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की है, और तुम्हें इस सफ़र में मेरा साथ देना होगा। मैं आपके साथ ही हूँ सर, जमुरद ने कहा। एक बात याद रखना कि सियासत की राह में कोई किसी का नहीं होता। रहम, मुरव्वत, हमदर्दी, ये सब जज्बे बेमानी हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मरकज़ होता है और वो है अपनी तरक्की, अपनी कुव्वत, अपना इक्तदार। इस रास्ते पर भाई भाई को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तुम्हें एक आदमी को फांस कर अपने सेंटर तक लाना है, आसिम ने कहा। उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म। कौन आदमी है वो? जमुरद ने पूछा। साहिबजादा फारूकी, नाम सुना है उसका? जमुरद सर हिलाकर रह गई। साहिबजादा फारूकी को उनके जानेसारों और दोस्तों ने समझाने की कोशिश की थी। जनाब, इस दावत का मतलब आपको बदनाम करना है। हमने पूरी तरह छानबीन कर ली है। उस सेंटर में सिर्फ तवायफें आया करती हैं। आप उनके दरमियान बदनाम होकर रह जाएंगे और आसिम और हशमत जैसे लोग इसी मौका से फ़ायदा उठा लेंगे। जानता हूँ मैं, साहिबजादा मुस्कुरा दिए। इसके बावजूद मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे दावत दी है वो एक आईना सिफ्त लड़की है। मैंने उसके दिल में झांक कर देख लिया है। उसकी आंखें ये बता रही थीं कि उसके वजूद में सच्चाई का लावा उबल रहा है। आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि आपके लिए ये किसी तरह मुनासिब नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि इसी में खुदा की कोई मसलहत हो, साहिबजादा ने कहा। कभी कभी वो ऐसे लोगों से भी ऐसे काम ले लेता है जो गुमान में भी नहीं आते। हो सकता है कि उस कोचिंग सेंटर में कुछ नेकियां हमारे इंतज़ार में हों। हो सकता है कि हमारी वजह से किसी को सीधी राह मिल जाए। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, मुझे अपने खुदा पर यकीन है वो मुझे किसी भी हाल में बदनाम नहीं होने देगा। शाम के वक्त उस लड़की का फ़ोन आ गया था। साहिबजादा साहिब, मैं वही हूँ जो उस रात आसिम के साथ आई थी। हाँ बेटा, कहो, साहिबजादा फारूकी ने बहुत शफकत से कहा। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी हो गई थी, एक बोलती हुई ऐसी खामोशी जो बता रही थी कि उसके वजूद का सबब क्या है। हाँ बेटा, तुम लाइन पर तो हो ना? साहिबजादा ने पूछा। आपने मुझे बेटा कहा? हाँ, इसमें कौन सी बुराई हो गई? क्या आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? एक तवायफ की बेटी हूँ। तो क्या हुआ, हवा की बेटी तो हो ना? और मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम चाहे लाख तवायफ की बेटी सही, लेकिन खुद तवायफ नहीं हो।
दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। साहिबजादा साहिब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आ जाओ, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। आधे घंटे बाद जुमुरद एक चादर में खुद को लपेटे उनके सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो रोती रही हो। खुदा के लिए आप वहाँ तशरीफ न ले जाएं, वो कह रही थी, यह आपको बदनाम करने की साजिश है। मुझे इसका भी अंदाज़ा है, साहिबजादा ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने जिस माहौल में चिरागान करने का हौसला किया है, मैं उन चिरागों में अपना चिराग भी रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे तुफैल खुदा मुझे बख्श दे। खुदा के लिए ऐसी बात ना करें साहिबजादा साहिब, जमुरत कांप उठी थी, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। कौन जाने कि उसकी निगाह में कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है, साहिबजादा ने कहा, मैंने तुम्हें देख और परख लिया है। तुम किसी फूल की तरह मासूम और बच्चे की तरह बुराइयों से पाक हो। जाओ, खुदा तुम्हारा साथ देगा। तुम उन लोगों को उनकी चालें चलने दो। खुदा सबसे बेहतर हिकमत अमली अख्तियार करने वाला है। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे कुछ नहीं होगा, साहिबजादा ने कहा। हाँ, मेरी एक नसीहत है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उस जंजाल से निकलने की कोशिश करो। जमुरद की आंखों से आंसू रवां थे। कामी के लिए एक बार फिर एक कड़ा इम्तिहान था। यह इम्तिहान उसके आका की तरफ से था और वो किसी रोबोट की तरह उस पर अमल करने के लिए मजबूर था। आसिम के जाने के बाद हशमत ने उसे बुलाकर कहा था, यह आसिम किस तुर्ब के पत्ते की बात कर रहा था? कोई लड़की है जुमुरद जिसका ताल्लुक उसी बाजार से है और जो इस वक्त आसिम की सेक्रेटरी बनी हुई है। यस सर। किसी तरह उसका पता चलाओ, हशमत ने कहा, मैं उस तुरब के पत्ते को अपने पास देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा कामयाब पता है तो फिर वो मेरे पास क्यों नहीं है? बहुत बेहतर, लेकिन, कामी ने कुछ कहने की कोशिश की। बस मैंने कह दिया ना, हशमत ने अपनी तरफ से बात ख़त्म कर दी थी। कामी ने दूसरे ही दिन हशमत को रिपोर्ट लाकर दे दी थी। उसने बताया था कि जुमुरद एक बहुत खूबसूरत, सुलझी हुई और ज़हीन लड़की है और उस बाज़ार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसकी एक साख है, और अगर उसे मौका मिला तो वह बहुत आगे जा सकती है। बहुत खूब, हशमत ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी गर्दन हिला दी। तो कब ला रहे हो उसे मेरे पास? जनाब, कामी ने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की होगी और ना ही अपनी तरफ से आपको कोई मशवरा दिया होगा। हाँ ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जनाब कि उस लड़की से आप बाकायदा मुलाकात करें, उसे बुला लें अपने पास, वो आ जाएगी, लेकिन उसे उठाने और लाने की बात ना करें, क्योंकि अब यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं ये सब नहीं करूँगा, चाहे आप मेरी खाल उधेड़ दें। हशमत पहलू बदल कर रह गया। ये पहला मौका था कि कामी ने इस अंदाज से बात की थी। न जाने इस रोबोट को क्या हो गया था, वो खुद मुख्तारी पर आमादा था। कफस में बंद परिंदे ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया था। अगर उसे कामी से काम न लेना होता तो वो उसकी छुट्टी कर देता, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मसलहतन खामोश रहा था। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, उसने कहा, तुम उस लड़की से मुलाकात ही करवा दो। ये हो सकता है जनाब, कामी ने अपनी गर्दन झुका दी थी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अली बाबा जुमुरद के बुलाने पर तकरीबन उड़ता हुआ उसके पास पहुँचा था। जुमुरद बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अली बाबा, मेरे लिए उलझनें बढ़ती जा रही हैं, उसने कहा। कैसी उलझनें? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं साहिबजादा साहिब से मिलकर आई हूँ। हाँ, अब क्या बात हुई है? उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हशमत का आदमी मुझे बुलाने आया था। मुबारक हो, अली बाबा अजीब अंदाज से मुस्कुरा दिया। तुम्हारी पहली ख्वाहिश थी ना? हशमत तो बहुत बड़ा आदमी है, आसिम से हज़ार गुना ज़्यादा ताकतवर और दौलतमंद, वो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है। बेवकूफ़ी की बात मत करो, जुमुरद झिल्ला गई थी। तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह इन मामलात में फंसी हूँ, और अब एहसास हो रहा है कि यह एक दलदल है जिसमें सिर्फ उतरा जा सकता है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे तुम इस लिहाज से खुशनसीब हो जुमुरद, या हशमत ने
तुम्हें इतनी शराफत से बुलवा भेजा है, वरना वो तो लड़कियों को उठवा लिया करता है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आसिम साहिब के साथ रह रहकर मैंने बहुत कुछ जान लिया है, अली बाबा ने कहा। और ये काम वो अपने एक खास आदमी से लेता है जो बहुत ही खतरनाक है, कामी नाम है उसका। हाँ, शायद वही बुलाने आया था मुझे। हैरत है, उन लोगों ने तुम्हारी खातिर अपना उसूल किस तरह तोड़ दिया। तुम मेरे साथ चलोगे? ज़मुरत ने कहा। मैं उस आदमी के पास अकेले तो नहीं जाऊंगी। क्या वो इस बात को पसंद करेगा? पसंद करे या ना करे, ये मेरा दर्द सर नहीं है। उसने मुझे बुलाया है, यकीनन उसे मुझसे कोई काम होगा, जबकि मैं उसे बराह रास्त जानती भी नहीं हूं। तुम आसिम से मशवरा ले लो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मुझे मना कर देगा? ज़मुरत बुरा समूह बनाकर बोली। बल्कि वो तो खुद इसी चक्कर में होगा कि किसी तरह मुझे उसके सामने पेश कर दे, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं देना चाहती। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उनकी मुलाकात दूसरी शाम को हशमत से हुई थी। हशमत ने जहां तारीफी निगाह से ज़ुमरत को देखा था, वहां उसने अली बाबा को देखकर बुरा समूह बना लिया था। ये कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आया है? ये मेरा सबसे करीबी दोस्त, हमदर्द और मेहरबान है, ज़ुमरत ने बताया। आजकल आसिम साहिब के पास होता है। तो इसको तुम ही आसिम के पास ले गई होगी? जी हाँ, ये वही आदमी है जिसने मेरे फंक्शन में आसिम की जान बचाई थी। ओह, फिर तो ये काम का आदमी हुआ, हशमत मुस्कुरा दिया। फिर उसने अली बाबा की तरफ देखा। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? जनाब, मेरा मामला ये है कि मैं एक रोबोट की तरह हूँ, अली बाबा ने कहा। और मेरा ख्याल है कि हर शख्स का या हर ताकतवर शख्स का एक रोबोट होता है और वो अपने आका के इशारे पर चलता है। तो तुम आसिम के रोबोट हुए? जी नहीं, मैं इनका रोबोट हूँ, अली बाबा ने ज़ुमरत की तरफ इशारा कर दिया। मेरी हैसियत क्या थी साहिब? कुछ भी नहीं, एक मामूली सा मैकेनिक जिससे कोई दोस्ती भी करना पसंद नहीं करता। फिर मैंने ज़ुमरत को देखा और इसी का होकर रह गया। अब इसे चाहे मेरा इश्क समझ लें, मेरा जुनून समझ लें, कुछ भी कह लें, मैंने अपने आप को ज़ुमरत के लिए वक्फ कर दिया है। इसने कहा, आसिम साहिब के लिए काम करो। मैंने आसिम साहिब के लिए काम शुरू कर दिया। अब ये कहेगी कि आपके पास आ जाओ तो आपके पास आ जाऊंगा। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है साहिब। ज़ुमरत की आंखें उस वक्त झिलमिलाने लगी थीं। अली बाबा ने जैसे उसे खरीद लिया था। तुम क्या कहती हो ज़ुमरत, क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगी? हशमत ने पूछा। मैं आसिम से बात कर लूंगा, वो कभी इनकार नहीं करेगा। तो फिर मुझे क्या इतराज़ हो सकता है सर, ज़ुमरत ने कहा। मैं तैयार हूँ, बशर्ते कि अली बाबा मेरे साथ हो। साहिबजादा फारूकी के लिए आजमाइश की घड़ी आ गई थी। उन्हें ज़ुमरत की दावत पर कोचिंग सेंटर जाना था, हालांकि खुद ज़ुमरत मना करके गई थी कि वो वहाँ ना जाएं, क्योंकि ये एक जाल है जो उनके लिए बिछाया जा रहा है। लेकिन साहिबजादा ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। और जिस शाम उन्हें जाना था, उसी शाम एक औरत उनसे मिलने आ गई। उसने अपना नाम जोहरा बताया था। जनाब, मैं ज़ुमरत का पैगाम लेकर आपके पास आई हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। ओह अच्छा, आप उसकी माँ हैं। हाँ, मैं उसकी वो माँ हूँ जिसने उसकी परवरिश की है, जोहरा ने बताया। जी, ज़ुमरत ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है, साहिबजादा ने कहा, और मैं आपके किरदार के इस पहलू से बहुत मुतासर हुआ हूँ। देखें जनाब, बात सिर्फ यह है कि मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, मेरे दामन में सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं। फिर जब ये लड़की मुझे मिली तो मेरे दिल ने कहा, जोहरा देख, खुदा तुझे नेकी का एक मौका दे रहा है, इसको ज़ाया मत कर। और साहिब, मैंने इस तरह माँ बनकर उसे अपने सीने से लगा लिया। बस ये नेकी की है मैंने, इसके सिवा तो मैंने और कुछ नहीं किया। हो सकता है कि आपकी यही एक नेकी लाखों नेकियों पर भारी हो, लेकिन मेरे अंदर का शैतान अभी जाग रहा है। साहिबजादा साहिब, मैंने जानबूझकर ज़ुमरत को इस रास्ते पर डाला है जिसे सियासत का रास्ता कहते हैं। मैंने उसे आसिम के पास भेजा, उसको कोचिंग सेंटर करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो ताकत हासिल कर ले, बहुत बड़ी हो जाए
ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا ہو اور اس کے طفیل میری بھی عزت ہو، لوگ میرا بھی احترام کریں۔ بس اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں چاہا تھا، لیکن اب جی فرمائیں، اب کیا ہو گیا؟ اب حشمت نے اس کے گرد گھیراؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ حشمت سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، وہ ایسا آدمی ہے جو بہت طاقتور اور شیطان صفت ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا ہے مجھے۔ ہو سکتا ہے، صاحبزادہ نے اس کی بات کاٹ دی، آپ صرف یہ بتائیں کہ زمورت کے حوالے سے کیا نئی بات ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، نہ صاحبزادہ صاحب، حشمت کی نگاہ اب زمورت پر ہے، وہ اسے گھیر کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے ہی اسے اپنے پاگل پن میں اس دلدل میں اتارا تھا، اور اب میں ہی چاہتی ہوں کہ میری بچی اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ خدا نے چاہا تو آپ کی بچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، صاحبزادہ نے بہت یقین سے کہا۔ وہ ایک پاک روح کی لڑکی ہے، لیکن اسے پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ چاہتی ہوں میاں صاحب کہ اب اس کی شادی ہو جائے، اور اس کے لیے ایک نوجوان ہے میری نگاہ میں، علی بابا نام ہے اس کا، اور وہ میری زمورت پر جان چھڑکتا ہے۔ اور وہ خود کیسا آدمی ہے؟ بہت بہادر، بہت بے دھڑک۔ عاصم کی اس نے جان بچائی تھی، اور اب عاصم نے اسے اپنے محافظ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ او، میرا خیال ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے، صاحبزادہ نے کہا، وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی ہے۔ بی بی، میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اگر آپ کی بیٹی اور اس نوجوان کی شادی ہو گئی تو یہ بہت مبارک رشتہ ہوگا۔ حالانکہ اس نوجوان سے میری بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ بھی ویسے ہی روح کا انسان ہے جس طرح آپ کی بیٹی ہے۔ حشمت ایک میٹنگ میں شریک تھا، اس میٹنگ میں وہ سب لوگ شامل تھے جو اس کے ہر جرم میں اس کے ساتھ ہوتے تھے، سیاسی جوڑ توڑ کرنے والے لوگ، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ یہ لوگ عوام کی نگاہوں میں بہت معزز تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں وہ سب کے سب کھل کر سامنے آئے ہوئے تھے۔ یہ میٹنگ حشمت کے بڑے مکان کے ایک ہال میں ہو رہی تھی۔ اسی میٹنگ میں حشمت زمرد اور علی بابا کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے عاصم سے زمرد کو طلب کر لیا تھا، عاصم کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے ہنسی خوشی زمرد کو حشمت کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل بہت دکھا۔ زمرد ایک ایسی زبردست لڑکی تھی جو ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ عاصم نے زمرد کے لیے کئی پلاننگ کر رکھی تھیں۔ اس کی سب سے پہلی پلاننگ یہی تھی کہ وہ علی بابا کو زمرد کے راستے سے ہٹا دے گا، کیونکہ وہ شخص زمرد کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہو گیا تھا۔ عاصم براہ راست علی بابا کو ہٹا کر زمرد کی ناراضی مول نہیں لے سکتا تھا، زمرد کی خوبصورت اور معصوم شخصیت نے اسے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ لڑکیوں کا آنا جانا اس کے لیے اور اس جیسے دوسروں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن زمرد کا جادو اس کے سر پر بولنے لگا تھا۔ لیکن اپنی پلاننگ پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی، اس سے پہلے ہی حشمت زمرد کو اپنے پاس لے آیا تھا، اور اب وہاں بھی زمرد کی وہی حیثیت تھی جو عاصم کے پاس تھی۔ حشمت بھی اس کی شخصیت کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، اس نے یہ اعتراف کامی سے بھی کیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں چاہتا، بس دوست بنا کر ساتھ رکھنے کو دل چاہتا ہے، اور یہ دل چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا جائے۔ خدا کا شکر ہے جناب، کامی نے کہا تھا، ورنہ میں اب آپ کے لیے کسی آزمائش سے نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ سب تو تھا، لیکن حشمت کے لیے علی بابا ناقابل برداشت تھا۔ وہ پھول کے ساتھ کانٹے کی طرح زمرد کے پیچھے لگا رہتا تھا، اور خود زمرد بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ اس وقت جب یہ خاص میٹنگ ہو رہی تھی، تو اسی میٹنگ میں حشمت نے زمرد کو بھی شامل کر لیا تھا، اور زمرد کی ضد پر علی بابا کو بھی اس اہم میٹنگ میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ میٹنگ ان کی پارٹی کی طرف سے توہین رسالت کے سلسلے میں جلوس نکالنے کے انتظامات پر ہو رہی تھی۔ جناب، کیا ہم یہاں کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے حشمت سے پوچھا۔ کیوں نہیں، یہاں سب اپنے لوگ ہیں، حشمت نے کہا۔ پھر زمرد اور علی بابا کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں، جو کہنا ہو وہ کھل کر کہیں۔ جناب، اس وقت آپ کے سر پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے،
اور وہ ہے صاحبزادہ فاروقی۔ وہ شخص بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس الیکشن میں آپ اس سے ہار جائیں۔ لوگ پاگل ہو گئے ہیں جناب، آپ کے لیے یہی موقع ہے، آپ فائدہ اٹھا لیں۔ کیسا موقع؟ بہت سامنے کا۔ ایسے موقعوں پر اس قسم کے واقعات اور حادثات تو ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اس جلسے میں صاحبزادہ فاروقی کو بھی مدعو کر لیں، اور اس کے بعد کوئی بھی حادثہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ ہاں ہوگی، لیکن آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، اس سے آپ ایک تیر سے دو شکار کر لیں گے۔ یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ توہین رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کا احتجاجی جلسہ وغیرہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر مغربی سامراج، بڑی آسانی سے الزام لگایا جا سکتا ہے، لگا دیں الزام، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جناب، پروپیگنڈا ہم یہ کریں گے کہ قاتلانہ حملہ دراصل آپ پر ہوا تھا، لیکن زد میں صاحبزادہ آ گئے۔ واقعی یہ اچھی ترکیب ہے، واہ، کسی نے کہا۔ لیکن ایسا آدمی کون ہوگا جس کا نشانہ اتنا کھرا ہو؟ حشمت نے پوچھا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں جناب، علی بابا اچانک بول پڑا تھا۔ کیا؟ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، خاص طور پر زمرد بہت حیران دکھائی دے رہی تھی۔ تم؟ جی ہاں، میں نشانے کا کھرا ہوں جناب، اڑتی چڑیا کو مار کر گرا سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے نشانے کا امتحان لے سکتے ہیں۔ علی بابا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ زمرد نے سرگوشی کی۔ جانتے ہو اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ جانتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا، تم میری اس قربانی کی وجہ سے بہت عزت حاصل کر لو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی عزت۔ نہیں زمرد، تمہارے لیے مجھے سرخرو ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے، مجھے اسے محروم نہ کرو۔ اس پر بحث ہونے لگی تھی کہ اس اہم کام کے لیے علی بابا پر بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اسے حشمت کے پاس آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، لہٰذا اتنا بڑا کام اسے کیسے دیا جا سکتا تھا، لیکن علی بابا نے انہیں اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا۔ زمرد بہت پریشان اور خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میٹنگ کے خاتمے کے بعد اس نے کہا، علی بابا، میں نہیں چاہتی کہ تم صاحبزادہ جیسے آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لو، اس کے علاوہ پھر تمہارا کیا مستقبل ہوگا؟ تم میرے مستقبل کی پرواہ مت کرو، علی بابا نے کہا۔ ویسے میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا مستقبل بھی بہت شاندار ہوگا۔ میں صاحبزادہ فاروقی کو منع کر دوں گی کہ وہ اس جلسے میں شریک نہ ہوں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود اپنے ہاتھوں خود کو گولی مار لوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنی دھن اور ضد کا پکا انسان ہوں، مجھے خود کو اور تمہیں سرخرو کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، تو مجھے کیوں اس سے محروم کرنا چاہتی ہو؟ لیکن صاحبزادہ، پھر علی بابا نے اسے جو کہا وہ سن کر زمرد کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ سب کچھ اسی طرح ہو رہا تھا جس طرح پلاننگ کی گئی تھی۔ بہت بڑا جلسہ تھا، سٹیج پر حشمت بیٹھا تھا، اس کے برابر میں صاحبزادہ فاروقی، پھر حشمت کے خاص لوگ جو اپنے آپ کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ظاہر کر رہے تھے، اور اس مجمع سے بہت دور علی بابا تھا جس کے پاس دور مار رائفل تھی۔ وہ ایک فلیٹ کی کھڑکی میں تھا، اس کی نگاہیں سامنے تھیں، صاحبزادہ فاروقی اس کی زد میں تھے، اور اس کی منزل قریب تھی، بہت قریب۔ یہ وہ منزل تھی جو غازی علم الدین شہید کی تھی، عبد القیوم شہید کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جانیں دے دی تھیں، اور آج علی بابا کے سامنے 40 چور تھے، حشمت کے خاص آدمی جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے سٹیج پر بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ایک نیک آدمی بھی تھا، اور اس فلیٹ میں علی بابا کے ساتھ زمرد بھی کھڑی ہوئی تھی۔ علی بابا، زمرد نے اسے مخاطب کیا، تم کس مستقبل کی بات کر رہے تھے کہ بہت شاندار ہوگا؟ آخرت کی بات کر رہا ہوں، ہمارا اصل اور دائمی مستقبل تو وہی ہے نا،
اور مجھے یقین ہے کہ اس مستقبل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ آمین۔ زمرد نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے ساتھ ہی علی بابا کی انگلیاں ٹرگر پر دوڑنے لگی تھیں۔ اس کا نشانہ سچا تھا۔ صاحبزادہ فاروقی کو چھوڑ کر وہ 40 چور اپنی اپنی کرسی سے اچھل کر گرتے جا رہے تھے، اور ایک سچا عاشق رسول اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک طوائف سادی اپنے شاندار مستقبل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے اور بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں معذرت کے طور پر اور آپ کے لیے بونس کے طور پر اسی نشست میں آپ کے لیے ایک مختصر سی اور کہانی پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی انجام دہی کے لیے کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یوں ہی اچانک سرزد ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی تکرار سے جنم لینے والا خونی واقعہ جس کا عنوان ہے اعلی قتل، مترجم ہیں سمر عباس، اور آپ سن رہے ہیں ہمیرا کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ صبح کی شفاف دھوپ میں جانسن کا لون کھانے پینے کی مختلف چیزوں سے سج رہا تھا۔ ایک طرف روسٹ کیے گئے پرندوں کا تھال رکھا تھا تو دوسری طرف ایک چھوٹے درخت کے سائے میں ایک بڑا باتھ ٹب رکھا تھا جس میں بیئر اور کوکا کولا کے ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں تھیں۔ اتوار کی صبح ہونے والے برنچ کی اس نے مکمل تیاری کر لی تھی، بس اب اسے اپنی کار سے آئس کریم کیک اٹھا کر وہاں لانا تھا۔ کلاڈ جانسن نے کلائی سے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور پھر بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کی بیوی نورا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، وہ اپنی بیمار ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جانسن اضطراب سے تھوک نکلا۔ اس کے اضطراب کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باس مسٹر ایڈم کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور وہ کسی بھی لمحے وارد ہونے والے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سٹیلڈا اور تین چھوٹے بچے بھی آنے والے تھے۔ جانسن نے کوئی ہزارویں بار دعا مانگی کہ اس کی ساس صحت یاب ہو جائے اور اسے دل کی عارضے سے نجات مل جائے، تاکہ اس کی بیوی نورا کو تیمارداری سے نجات مل سکے۔ گزشتہ ماہ اس نے 6 راتیں اپنی ماں کی خدمت گزاری میں صرف کی تھیں۔ 10:02 پر ایک کار گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور نورا باہر آئی۔ پھر وہ گیٹ کھول کر لان میں آ گئی۔ جانسن نے ایک بار پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا اور اپنی بیوی کی طرف بڑھا تاکہ اسے خوش آمدید کہہ سکے۔ صبح بخیر ڈارلنگ، جانسن نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مارننگ، تم کیسے ہو؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، جانسن نے کہا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف چلا گیا تاکہ اسے کھول کر باہر سے برف کی سل لا سکے، لیکن گیٹ کھلا چھوڑ کر وہ بھنے گوشت کے تھال کی طرف گیا اور اس نے سماور سے نورا کے لیے خوب گرم کافی ایک مگ میں بھری۔ اسے معلوم تھا کہ نورا کا دماغ اس وقت تک صحیح کام نہیں کرتا جب تک وہ ایک کپ کافی نہ پی لے۔ اس نے وہ کپ لے جا کر اسے تھما دیا۔ نورا حسین اور پرشباب تھی۔ جانسن کو اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا کہ نورا جیسی بھوری آنکھوں اور سیاہ بالوں والی عورت نے اسے شادی کی تھی۔ نورا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس سے دور چلی گئی۔ کیا تم نے رات پریشانی میں گزاری ہے؟ جانسن نے اسے پوچھا۔ تمہارے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں، نورا نے کہا، گزشتہ رات میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اس نے مگ سے کافی کی ایک چسکی لی۔ اف خدایا، یہ کیا ہے؟ اتنی بدذائقہ کافی، کیا تم نے یہ بےہودہ کافی گزشتہ رات تیار کی تھی؟ نہیں ڈارلنگ، یہ تازہ کافی ہے، جانسن نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں گرم سرکہ پی رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ کیا اس وقت اور کوئی چیز پینے کے لیے نہیں ہے؟ بیئر کے سوا کچھ نہیں ہے، جانسن کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ وہ ناگواری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کافی پختہ روش پر اچھال دی اور باتھ ٹب کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھہرو ڈارلنگ، میں تمہیں دیتا ہوں، جانسن نے اصرار کیا۔ تم ایک طرف بیٹھو۔ اس نے ٹب میں ہاتھ ڈال کر بیئر کا ایک ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر نورا کی طرف بڑھا دیا۔ نورا نے بیئر کا ایک بڑا گھونٹ لیا، پھر ہلک سے ایک عجیب سی آواز نکالی اور ناگواری سے کہا، یہ کمبخت بیئر تو کافی سے زیادہ گرم ہے۔ برف میری کار میں رکھی ہے، ٹھہرو میں ابھی لاتا ہوں۔
नहीं जॉनसन, तुम एक मिनट के लिए रुक जाओ, वो बोली। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। हवा के झोंके से उसका स्कर्ट ओढ़ने लगा तो जॉनसन को उसकी मतवाजन और गुलाबी टांगें नजर आने लगीं। उसने एक कुर्सी खींची और उसके पहलू में बैठ गया। गुज़िश्ता रात तुमसे दूर रहकर मैं बहुत रंजीदा हुई थी, वो बोली। डार्लिंग, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसने बियर का डब्बा चार दीवारी की तरफ फेंक दिया। डब्बा आवाज़ के साथ दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। उसमें भरी हुई बियर बाहर निकलने लगी। मैं बर्फ़ लेकर आता हूँ, जॉनसन ने शर्मिंदगी से कहा। बस दो मिनट लगेंगे। ठहरो जॉनसन। मगर अब जॉनसन कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी कार की तरफ गया। उसने डिग्गी खोलकर बर्फ़ की सिल पर लिपटा हुआ कपड़ा एक तरफ फेंका और फिर 25 पाउंड वजनी सिल उठाकर वापस आ गया। बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो बोला। जॉनसन, खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो, नोरा ने उसे आवाज़ दी। उसका लहजा कुछ अजीब सा था, इसलिए जॉनसन लपक कर उसके करीब चला गया। क्या बात है नोरा, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब मामूलात इंतहाई तकलीफ दे हैं जॉनसन, मैं इस तरह से ज़िंदा नहीं रह सकती। हाँ मैं जानता हूँ ये मामूलात तुम्हारे लिए दुश्वार हैं, मगर जब तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हें। ओ जॉनसन, तुम भी कितने अहमक हो। मैं अपनी मम्मी के घर थोड़ा ही जाती रही हूँ, वो तो किसी गाय की तरह सेहतमंद हैं। तो फिर, जॉनसन ने हैरत से कहा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ जॉनसन, तुम जैसी बेहुदा बेमज़ा और बेढंगी ज़िंदगी गुजार रहे हो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं तुम्हारे बेवकूफ़ बॉस और उसकी घोड़े जैसे मुंह वाली बीवी से नहीं मिलना चाहती। वो मुझे एक आंख नहीं भाती, उसके बच्चे तो निरे गंवार हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे मोहब्बत जताई थी, लेकिन वो सरासर झूठ था। मुझे तुमसे कतई मोहब्बत नहीं है, मैं तुम्हारी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हद तो ये है कि मुझे ये भी गवारा नहीं कि तुम मुझे हाथ लगाओ। उसने हकीकत का इनकशाफ किया। नोरा डार्लिंग, ये तुम क्या कह रही हो, जॉनसन बोला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ सुना है वो सच है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हकीकत में एक मर्द मिल गया है। तुम जब भी ये सोचते रहे कि मैं अपनी माँ की खिदमत करने गई हूँ, मैंने वो रात उस मर्द की बाहों में गुजारी है। अब भी मैं उसके बिस्तर से उठकर सीधी यहाँ आ रही हूँ। उसने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं हकीकत में औरत हूँ। ओह खुदाया, मैं तो उसके लिए दीवानी हो रही हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, वो जज्बाती लहजे में बोली। जॉनसन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ती महसूस की। नोरा, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अलहदगी अख्तियार नहीं कर सकती। ये मेरी मोहब्बत है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर रखी हैं। ये मकान, कार और सब चीज़ें जो तुमने वक्तन फवक्तन मुझसे तलब की थीं, अब बताओ तुम्हारे इत्मीनान की खातिर मैं क्या कर सकता हूँ? इत्मीनान और सुकून, नूरा ने इस्तेहजाई अंदाज में कहा। तुम्हारे साथ रहकर किसी औरत को इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकता, ख़ास तौर पर मुझ जैसी औरत को। मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा है वो ज़ाया हो गया। काश कि मेरा तुम्हारा साथ न होता। जॉनसन के लिए यह आखिरी जुमला नाकाबले बर्दाश्त था। उसे अपने तन बदन में एक आग सी लगती महसूस हुई। उसने बर्फ़ की वो सिल उठाई और नोरा के सर पर दे मारी। नोरा के हल्क से एक अजीब सी आवाज़ निकली और वो कुर्सी से लुढ़क कर नीचे रेत पर गिर गई। जॉनसन पलकें झपकाई बगैर उसे देखता रहा, जैसे उसके एहसासात मुंजमद होकर रह गए हों। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। बर्फ़ की सिल अब भी उसके हाथ में दबी हुई थी और हैरत अंगेज तौर पर टूटी नहीं थी। वो टब की तरफ गया और उसने बर्फ़ की सिल उसमें डालकर बियर और कोका कोला के डब्बे ऊपर नीचे कर दिए। फिर वो पलट कर नोरा की तरफ आया, जो रेत पर हाथ पांव फैलाए पड़ी थी। उसका सांस बंद हो चुका था और आंखें चढ़ी हुई थीं। नोरा को उस हालत में देखकर उसका हल्क खुश्क होने लगा, इसलिए वो दौड़कर किचन में चला गया और वहाँ से उसने फ्रिज से बोतल निकालकर 2 गिलास पानी पिया। जब उसकी हालत बेहतर हो गई तो वो अपने मकान से निकलकर 2 ब्लॉक के फासले पर वाके एक शराब के स्टोर में गया। सुबह बखैर मिस्टर जॉनसन, आज आप काफ़ी सवेरे आ गए, स्टोर के मालिक ने कहा। वो अधेड़ उम्र था और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उस वक्त वो जीन्स और जैकेट पहने हुए था। हेलो स्टाइन, जॉनसन ने कहा
और अपने होंठों को खींचा ताकि ये तासुर पैदा हो सके कि वह खुशदिली से मुस्कुरा रहा है। हाँ, आज सुबह ही मैं उठ गया था क्योंकि मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ ब्रंच पर आ रहे हैं। लंच और ब्रेकफास्ट को मिलाकर लव्स ब्रंच बना लिया गया था। जॉनसन का ब्रंच 11 बजे शुरू होता था। ओह, तब तो तुम्हें मज़ीद बियर की ज़रूरत होगी, वो बोला। नहीं, बियर तो मेरे पास पहले ही बहुत है। मैं दरअसल नोरा के लिए कोई मुनासिब सी चीज़ लेने आया हूँ। वो बेचारी सारी रात अपनी माँ के घर थी। उसकी माँ बीमार है ना, इसलिए नोरा तीमारदारी में मसरूफ़ रही। तुम उसके लिए क्या लेने आए हो मिस्टर जॉनसन? मैं पहले से कोई चीज़ नहीं सोच कर आया, जॉनसन ने कहा। बस ये चाहता हूँ कि उसके लिए कोई अच्छी चीज़ पीने को ले जाऊँ ताकि उसकी थकन दूर हो जाए। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे यहाँ अच्छी शराब भी नहीं है। तुम उसके लिए कौन सा मशरूब मुनासिब ख्याल करते हो? मेरा ख्याल है कि तुम उसके लिए एस्प्रिन की चंद गोलियां और वाटका की एक बोतल ले जाओ। इसके साथ मुंह का जायका तब्दील करने के लिए टमाटर के जूस की एक बोतल ले जाना भी मुनासिब रहेगा, स्टाइन ने कहा। टमाटर का जूस मुनासिब रहेगा, जॉनसन ने उससे इत्तेफाक किया। और इसके अलावा तुम जो मुनासिब समझो एक शॉपर में डाल दो, मैं उसके लिए ले जाता हूँ। स्टाइन ने सब चीज़ें एक शॉपर में डालकर काउंटर पर रख दी और बोला, बस या कुछ और मिस्टर जॉनसन? जॉनसन ने गर्दन घुमाकर स्टोर की चीज़ों पर एक तायराना निगाह डाली और बोला, मेरा ख्याल है कि ड्राई फ्रूट के 2 पैकेट भी दे दो, नोरा को वो भी पसंद हैं। मिस्टर जॉनसन, आप बुरा ना मानिएगा, आपका रवैया जन मुरीद शोहरों जैसा है, स्टाइन ने मुस्कुरा कर कहा। अगर आप ऐसी हरकतें करते रहे तो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। नोरा इन चीज़ों की अहल है जो मैं उसे देता रहता हूँ, जॉनसन ने कहा। वो एक खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली औरत है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ। वो दुकान से निकल आया इसलिए कि अपने जज्बाती धारे को तब्दील करने में उसे दुश्वारी हो रही थी। कहाँ तो उसकी बेवफाई पर जॉनसन ने उसे ख़त्म कर दिया था और कहाँ अब स्टाइन के सामने नोरा की तारीफ करना पड़ रही थी जिसकी वो कतई अहल नहीं थी। मिस्टर ट्रेफन अपने मकान के आगे लगी बाड़ बड़ी कैंची से तराश रहे थे। उनका बच्चा टॉमी नज़दीक ही फुटबॉल खेल रहा था और वो कभी कभी फुटबॉल अपने बाप की तरफ भी उछाल देता था। अपने उस मजाक पर वो खुद भी हंस रहा था। जॉनसन एक दो लम्हे वहाँ खड़ा रहा ताकि ट्रेफन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। इसके बाद वो अपने मकान की तरफ बढ़ गया। वो सामने वाले दरवाजे की बजाय पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ और उसने वहीं से चीखना शुरू कर दिया, नोरा, नोरा यहाँ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? उसने अपने हाथ में दबा हुआ सामान किचन में रख दिया और फिर कदमों से धमक पैदा करता हुआ मकान के सामने वाले हिस्से में गया। दरवाज़ों को उसने दानिस्ता ज़ोर से खोला और बंद किया ताकि पड़ोसियों को खबर हो जाए कि वो क्या कर रहा है। अपने लॉन में पहुँच कर उसने नोरा की तरफ देखा। वो पथरीली रविश पर चित पड़ी थी और उसका स्कर्ट हवा से उड़ रहा था। वो नोरा को जिस हालत में छोड़ गया था वो उसी हालत में पड़ी थी। नोरा, नोरा डार्लिंग, ये तुम्हें क्या हुआ? उसने इस्तेराब से कहा, फिर एक दिलदोस्त चीख मारी। इस कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए यह ज़रूरी था। वो 2 मिनट तक सिसकियाँ लेता रहा और फिर वहाँ से उठकर मकान के अंदरूनी हिस्से में गया और पुलिस को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला देने लगा। ओ खुदाया, सुराग रिसा, सार्जेंट ब्रिज ने कहा और फिर नोरा का सर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मैंने पुलिस की मुलाजमत के दौरान ऐसे कुछ वाक़यात देखे हैं जिनमें मुजरिम दुश्मनी की बिना पर ज़र्ब लगाकर लोगों के सर पिचका देते हैं, लेकिन इस नामालूम शख्स ने तो जुल्म और संगदिली की इंतहा कर दी। मुझे यकीन है कि उसने नोरा के सर पर लोहा कूटने वाले हथौड़े से वार किया है। डॉक्टर का कहना है कि वो कोई भारी और चिकना हथियार था, दूसरे पुलिस वाले ने कहा जो कम उम्र था। हथियार कोई सा भी रहा हो लेकिन वो बहुत भारी था। इस किस्म के कातिल जो औरतों पर मुजरिमाना हमले करते हैं उनके पास ऐसे हथियार होते हैं, लेकिन इतना भारी हथौड़ा जेब में डालकर तो कोई भी नहीं चल सकता। नताइश पर जाने के लिए इतनी लंबी छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिज ने उसे तनबीह की। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कातिल कोई ऐसा शख्स था जो औरतों पर मुजरिमाना हमले करता है? जॉनसन ड्राइंग रूम में खड़ा अपने बॉस को फ़ोन कर रहा था और उन दोनों पुलिस वालों की आवाज़ें उसे वहाँ सुनाई दे रही थीं।
उसका ख्याल था कि ब्रिज फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुराख रसानों की तरह है। उसकी नाक मोटी, शाने भैंसे की तरह पुरगोश्त और आंखें इंसान के अंदर झांकने वाली थीं। क्या इसका शोहर ये कत्ल नहीं कर सकता? दूसरे पुलिस वाले ने ब्रिज से कहा। वो इस औरत का शोहर था। उसे बीवी को हलाक करने से पहले उस पर मुजरिमाना हमले की क्या ज़रूरत थी? ब्रिज ने कहा और नोरा के फटे कपड़ों और सीने के जख्मों की तरफ इशारा किया। जॉनसन ने बर्फ़ की सिल उसके सर पर मारने के बाद उसके कपड़े फाड़ डाले थे और सीने पर जख्मों और खरोंचों के निशानात बना दिए थे ताकि ये तासुर पैदा हो सके कि यह किसी जिनसी जुनूनी का कारनामा है जिसने नोरा के मज़ाहमत करने पर उसे मौत की नींद सुला दिया। जॉनसन तो वैसे भी दरिंदों जैसी ये हरकत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। स्टोर के मालिक स्टालिन का भी यही बयान है। लेकिन हमने उसकी माँ के यहाँ जाकर भी तो तहकीक की है, कम उम्र पुलिस वाले मैट ने कहा। उसकी माँ कतन बीमार नहीं। अब अगर जॉनसन को ये बात मालूम हो गई होगी कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही थी तो हो सकता है कि उसके रद्द अमल में उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो। लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि कत्ल से पहले नूरा के साथ जिनसी खेल खेला गया है। फिर ये कि जब कातिल उसके साथ ज्यादती कर रहा था तो नोरा ने अपने तेज़ नाखनों से उसका चेहरा ज़रूर नोचा होगा, इसलिए गोश्त के रेजे उसके नाखनों से मिले हैं। तुमने जॉनसन को चेक किया? हाँ, मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया है। उसके चेहरे या जिस्म पर खराश तक नहीं है। अगर ये किसी जिनसी जुनूनी का केस है तो ऐसी वारदात रात में होती है, ना कि इतवार की सुबह। मैंने हालात और वाक़यात का जो तज्ज़िया किया है उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जॉनसन की बीवी गुज़िश्ता रात अपने किसी चाहने वाले के साथ डेट पर थी। मुमकिन है उन दोनों के दरमियान कोई तलखी हो गई हो और वो पीछे लगा हुआ आ गया हो। फिर जब जॉनसन स्टोर की तरफ गया तो नोरा के बॉयफ्रेंड ने उसे कत्ल कर दिया, मेट बोला। ऐन मुमकिन है, ब्रिज ने उससे इत्तेफाक किया। लेकिन नोरा को उसने किस चीज़ से हलाक किया है? हमने मकान और गैरेज की अच्छी तरह से तलाशी ले ली है। वहाँ से ऐसी कोई भारी चीज़ नहीं मिली जिसको नोरा के सर पर मारकर उसे हलाक किया जा सकता। कातिल इतनी वजनी चीज़ साथ लेकर नहीं घूम सकता, वो यहीं कहीं पड़ी होगी। अगर हम आला कत्ल दरियाफ्त कर लेंगे तो आसानी से कातिल तक पहुँच जाएंगे। आला कत्ल मिल जाएगा सार्जेंट, मेट ने कहा, इसलिए कि जॉनसन मुझे माकूल शख्स लगता है। मैं उसे बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि उसने अपनी बीवी को हलाक किया है। वैसे उसकी बीवी इसी काबिल थी कि उसके साथ ये सलूक किया जाता। वो अपने शोहर को धोखा दे रही थी। हाँ, कोई भी शोहर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्जेंट ब्रिज ने उससे इत्तेफाक किया। जब नोरा की लाश वहाँ से ले जाई जाने लगी तो जॉनसन अपने ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। ब्रंच पार्टी के मेहमानों को फ़ोन करके उसने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया था। वहाँ सन्नाटा सा हो गया तो दोनों पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठ गए और उन्होंने जॉनसन से कहा कि वो सारा वाक्या फिर से सुनाए। अभी तक कोई ऐसा क्ल्यू नहीं मिल रहा कि हम उसके ज़रिए कातिल तक पहुँच सकें। तुम सारा वाक्या दोहरा दो तो मुमकिन है कि ऐसी कोई बात सामने आ जाए जिससे कातिल तक पहुँचना मुमकिन हो जाए, सार्जेंट ने कहा। एक बार तो जॉनसन ने सोचा कि सार्जेंट को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए, मगर फिर ख्याल आया कि नोरा ने उससे बेवफाई की है, लिहाजा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये जगह छोड़कर वो कहीं दूर चला जाएगा, मुमकिन है उसे कोई मुनासिब सी लड़की भी मिल जाए। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बियर का एक डब्बा पी लूँ, जॉनसन ने कहा। यह एक बड़ा सानहा है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो धाड़े मार कर रोता चीखता, मगर तुम ठंडे दिमाग के आदमी हो, सार्जेंट सर हिलाकर बोला। तुमने हैजान का इजहार नहीं किया है। जॉनसन ने बियर का एक डब्बा खोलकर घूंट लिया तो उसे एहसास हुआ कि गर्म बियर ने उसका हल खराब कर दिया है। उसका कलेजा उलटने लगा और उसका दिल चाहा कि वो बियर के डब्बे को दूर फेंक दे। क्या तुम लोग कुछ पीना पसंद करोगे, उसने दोनों पुलिस वालों से पूछा। नहीं, इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, मेरे पास कोका कोला है। ठीक है, कोका कोला चलेगा, ब्रिज ने हामी भरी। उसने कोका कोला के दो डिब्बे खोले और फिर उन लोगों की तरफ बढ़ाता हुआ बोला,
मुझे तुम लोगों पर एतमाद है कि तुम नोरा के कातिल को ज़रूर गिरफ्तार कर लोगे। ब्रिज ने सर को असबाती जुम्बिश दी, फिर डब्बे से एक घूंट लिया और नागवारी से बोला, ओह ये तो गर्म है। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हाथ टब तक गया। उसने टब में पड़ी हुई चीज़ें गौर से देखी, फिर बोला, बर्फ़, यहाँ तो बर्फ़ भी है। जॉनसन को ऐसा मालूम हुआ जैसे अचानक ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई हो और वह उसकी पसलियाँ तोड़कर बाहर आने वाला हो। पसीने की एक बूंद उसकी रीढ़ की हड्डी पर रेंगने लगी। मालूम नहीं अचानक उसे पसीना क्यों आने लगा था। वो कमबख्त सार्जेंट ब्रिज, जो हर चीज़ को अपनी एक्सरे वाली आंखों से देखता था, बर्फ की सिल के करीब पहुंच चुका था। लानत हो उस पर, लानत हो उस पर। हाँ तो फिर बर्फ है तो क्या हुआ? इस सिल से कोई भी चीज़ ठंडी नहीं की जा सकेगी, वो बोला, जब तक कि इसे तोड़कर टुकड़े ना कर दिया जाए। उसने अपनी हिप पॉकेट में हाथ डालकर एक चाकू निकाल लिया। फिर उसने मजबूत चाकू से मुतअद्दिद वार किए और बर्फ़ की सिल के टुकड़े कर डाले। वो पहले ही पिघल कर किसी हद तक छोटी हो चुकी थी। ब्रिज ने कोका कोला का वो डब्बा खड़ी हालत में उसे बर्फ़ में दबा दिया। मेरा ख्याल है कि मैं मैट के साथ एक बार फिर तुम्हारे मकान की तलाशी ले लूँ, ताकि आला एक कत्ल मिल जाए तो उसकी मदद से कातिल को तलाश करने में आसानी हो, वो पलटते हुए बोला, तब तक ये डब्बा ठंडा हो जाए। मुझे यकीन है कि तुम उसे तलाश कर लोगे, जॉनसन ने बाथटब की तरफ देखते हुए कहा, उसे यहीं कहीं मौजूद होना चाहिए, वो पिघल थोड़ा ही सकता है। लिसनर्स, इसके साथ ही ये मुख्तसर सी क्राइम स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नई कहानी के साथ, ऐसी कहानी की नई किस्त के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।